मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर हमने जो राशियां हैं उनका हरेक राशि का विस्तृत वर्णन देने की कोशिश करेंगे। ऐसी आपकी डिमांड थी कि राशि का डिटेल बताएं और वो तारीख भी बताएं कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है, वो भी जानकारी दें। तो शुभ और अशुभ तारीख वीडियो के एंड तक देखें और साथ में तारीख नोट कर लें और हम ये बताएंगे कौन से ग्रह आपके लिए शुभ है और कौन से अशुभ है, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब ग्रह खराब होते हैं तो उस समय हम अपसेट होते हैं, कई बार हम अपना अच्छा वाला मोबाइल तोड़ देते हैं गुस्से में आकर। तो जुलाई के महीने में सिंह राशि कैसा रहेगा, क्या किस्मत पलटेगा? हेडिंग डाला है हमने छप्पड़ फाड़ करके देगा, भरेगा तिजूरियां। कौन कौन से ग्रह तिजूरियां भरेंगे जुलाई के महीने में और जुलाई के महीने में स्टारों की क्या पोजिशन है वो मैं आपको जानकारी देता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों को रिकमेंडेशन भी दें। अब हम शुरुआत करते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों की क्या पोजीशन है। आपकी जो राशि है सिंह राशि, आज उसकी हम जानकारी देंगे। इसमें राशि के साथ साथ आप सिंह लग्न भी देख सकते हैं, लग्न के ऊपर जो फलादेश होता है बिल्कुल एक्यूरेट रहता है और हम ये लग्न के ऊपर ही देते हैं। चंद्रमा का जो बल और सूर्य का जो बल रहता है उसके बल को भी लेकर के हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है वो जुलाई के महीने में 15 जुलाई तक तो लाभ स्थान पर है, तो 15 जुलाई तक कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सम के घर में है और गोचर के अंदर 11 भाव लाभ का होता है, यहाँ पर वो बहुत पावरफुल स्थिति में होता है तो यहां लाभ देगा, वो बहुत स्ट्रांग स्थिति में रहने वाला है। तो इसका मतलब जो आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं पॉजिटिव स्थिति में। 16 तारीख को उसका राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर बाकी के वो 15 दिन जो है बारम भाव में रहेगा। बारम भाव में अच्छा फल नहीं देता, जलीय भाव है और कर्क राशि में भ्रमण करेगा तो कर्क राशि भी जलीय राशि होती है तो आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट आएगा। आंखों में तकलीफ, आई फ्लू हो सकती है, आंख में चोट लग सकती है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो राशि का स्वामी सूर्य है, दो पार्टों में, पहला पार्ट अच्छा है दूसरा पार्ट उसका खराब रहेगा। तो जो काम निपटाने हैं आपने लाभ से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, राजयोग से संबंधित, वो निपटा सकते हैं। बुध की जो स्थिति है धन और लाभ, व्यापार, जो व्यापारी वर्ग हैं जो धन का काम करते हैं ब्याज का काम करते हैं उनके लिए बुध पूरे महीने स्वराशि में लाभ स्थान पर चलेगा। यहां भी ये बहुत पावरफुल होता है, दोनों ही बहुत पावरफुल स्थिति में है लेकिन बुध दस्त है, वो निकल जाएगा तो फिर सूर्य आगे निकल जाएगा, बुध अस्त से बच जाएगा। तो पन्ना पहन के रखते हैं तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा है। तो बुध आपके लिए काफी अच्छा है और वैसे भी लाभ स्थान पर रहेगा। तो 15 तारीख तक सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बहुत पावरफुल है और यहां राहु की युति भी है, राहु उच्च का है बुध के साथ तो अचानक छप्पड़ फाड़ के मिलना, इसलिए मैंने कहा कि छप्पड़ फाड़ के मिलेगा शेयर बाजार से, व्यापार से, कमीशन से, लाइजनिंग वर्क जो आप करते हैं उससे, कोई फिल्म हिट होना, फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों अरबों रुपए आ जाना, पैसा आपने दे रखा है ब्याज पे उससे आ जाना, ऐसा योग यहां पर बनेगा। तो यहां पर आप पन्ना पहन के रख सकते हैं और सूर्य को जल चढ़ाएं 16 जुलाई के बाद। अब हम बात करते हैं बुध की, बुध की बात हो गई, अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपका हिम्मत का स्वामी है और साथ में आपके कैरियर का स्वामी है, मान सम्मान पर बैठा है, मालव नाम का महापुरुष राजू। तो हमने कहा था कि तीन ग्रह आपकी झोलियां भरेंगे, तिजूरियां भरेंगे, खजाने भरेंगे, छप्पड़ फाड़ करके देंगे। तो यहां पर जो शुक्र है वो वर्गोत्तम रहेगा, बहुत ही पावरफुल स्थिति में रहने वाला है, 9 जुलाई तक रहेगा तो इसका लाभ ले सकते हैं आप।
और जब इतना पावरफुल स्थिति में कोई ग्रह होता है तो बहुत स्ट्रांग स्थिति में आता है। तो आप पन्ना पहन सकते हैं व्यापारियों के लिए, और हीरा भी पहन सकते हैं आप, ओपल पहन सकते हैं। इसके पहनने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री में लाभ मिलेगा, कैरियर में संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए, आईएएस आईपीएस उसके लिए, उनमें भी बहुत पावरफुल रहेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बैंकिंग सेक्टर वाले लोगों के लिए, स्टॉक एक्सचेंज चांदी का काम करते हैं, हीरे जवाहरात का काम करते हैं, फूड आइटम का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। मंगल आपके लिए अच्छा नहीं है। मंगल माता पिता भाग्य सुख साधन का स्वामी मृत्यु स्थान में होकर के मंगलिक योग बना करके बैठा हुआ है, तो हर मंगलवार का आपको व्रत करना चाहिए। पूरे जुलाई के महीने में मंगल आपके लिए बद रहने वाला है, अच्छा नहीं है। तो मंगल की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपका संतान भाव और एजुकेशन पर बैठा हुआ, पुत्र प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, हायर एजुकेशन की प्राप्ति, पीएचडी, एलएलएम, डॉक्टरेट, ऐसी एजुकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। कारक स्थान पर गुरु बैठा हुआ केतु के साथ बहुत झंडा ऊंचा करता है, तो पुखराज भी पहन सकते हैं, इसके पहनने से बहुत पावरफुल स्थिति बनेगी। एक और यहाँ पर कारकाक्ष नाम का महापुरुष राजयोग आपका बनता है, बुध और गुरु आमने सामने स्वराशि में है, और दोनों पूरे की पूरे जुलाई के अंदर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। शनि की पोजिशन देखी जाए, शनि स्वराशि में है छठे भाव में, और पूरे महीने चलेगा। छठे भाव में बुरा फल नहीं देता, कारक स्थान में होता है, लेकिन फिर भी बीमारी को तो बढ़ा ही देता है। सिंह राशि या सिंह लग्न में शनि की पोजिशन बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये ग्रहों की एक स्थिति है जो मैंने आपको जानकारी दी है। इसमें आप पुखराज पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, पन्ना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं। इनके पहनने से आपके राजयोग, कारकाक्ष नाम के राजयोग, ये सब मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, बहुत पावरफुल स्थिति में आपके ही आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम इसमें नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी तारीखें आपके लिए ठीक हैं और कौन कौन सी तारीखें ठीक नहीं हैं आपके लिए। आपके अगर हम चंद्रमा की पोजिशन देखें तो 2 और 3 तारीख को चंद्रमा नीच का रहेगा चौथे भाव में, मन में संताप, भय, टेंशन, तनाव रहेगा। 2 और 3 तारीख को किसी काम की आपको शुरुआत नहीं करनी है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपका थर्ड हाउस में मूवमेंट करेगा, पंचम भाव में मूवमेंट करेगा। पंचम भाव में गुरु के साथ गज के सी राजयोग बनाएगा, वो अच्छी स्थिति में है। 6 और 7 तारीख को विषयोग बनाएगा, तो 6 और 7 तारीख को किसी काम की शुरुआत ना करें, तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, भय रहेगा, तो ये भी अच्छा योग नहीं है। 8 और 9 तारीख को सप्तम भाव में भ्रमण रहेगा, अच्छा है, शादी के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा है। 11 और 12 तारीख को वो मंगल के साथ अष्टम भाव में रहेगा, 10, 11, 12 में, तो अच्छा नहीं है, क्रोध आएगा, टेंशन रहेगी। विपरीत राजयोग में पैसा तो आएगा लेकिन माँ का स्वास्थ्य यहाँ पर खराब रहेगा। 13 और 14 तारीख को पाकिस्तान पर भ्रमण करेगा, अच्छा रहता है, यहाँ पर भाग्य उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। और 16-17 तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल है, उच्च का रहेगा और शुक्र के साथ रहेगा, तो यहाँ पर बहुत पावरफुल स्थिति बनती है। तो यहाँ कोई भी काम करना चाहते हैं आप 15, 16, 17 में तो अच्छा है। 18, 19, 20 तारीख में ग्रैंड में रहेगा राहु के साथ में, लेकिन लाभ देगा, बुध के साथ रहेगा और सूर्य के साथ रहेगा, तो सूर्य तो निकल जाएगा, तो बुध और राहु और चंद्रमा की युति यहाँ पर रहेगी, थोड़ा सा टेंशन रहेगी लेकिन काम कारोबार आपके होते रहेंगे। 20 और 21 तारीख को अमावस्या रहेगी, 22 तारीख को, इस पीरियड में सूर्य के साथ 12वें भाव में स्वराशि में रहेगा, कोल्ड कप की शिकायत बन सकती है, तो यहाँ पर किसी काम की शुरुआत आपको नहीं करनी। उसके बाद में 3रे भाव में 25 और 26 तारीख को उसकी स्थिति रहने वाली है, बहुत पावरफुल स्थिति में रहेगा, यहाँ पर मेहनत से ऊंचाइयाँ छूना और पावरफुल स्थिति में आ जाना, तो ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पर। और 26-27 तारीख को उसकी स्थिति धन के ऊपर है, वो बहुत पावरफुल स्थिति में, तो यहाँ पर आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपने देखा मित्रों,
कि कुछ जगह पे चंद्रमा नीच है, कुछ जगह पे अमावस्या में, कुछ जगह राहु में, तो हमने आपको वहाँ पर सावधानी बरतने की आपको हिदायत दी है, तो वहाँ पर ये बचाव रखें। बाकी सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी राशि का स्वामी सूर्य आधे हाफ अच्छा, आधे हाफ थोड़ा सा तनाव मिलेगा, बाकी 3 स्टार बड़े पावर। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप भी जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में, कुंडली के बारे में, तो अपन में लेकर आप मुझे मिल सकते हैं। अब आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको अपना पता भी देता हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59, फ़ोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156-9212-8609-0, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।